न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स और मैं हूं आपके साथ पंत भाटिया। इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के खरगोन मुख्यालय से, जहां अब खरगोन जिले में 10 मई तक लागू रहेगा लॉकडाउन, या यूं कहें कि अब खरगोन जिले में 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावशाली रहेगा। आपको बता दें कि खरगोन जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि 10 मई तक बढ़ा दी गई है। ज्ञात हो कि खरगोन जिले में अप्रैल महीने की शुरुआत से ही कोरोना के बेकाबू होने से कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया था और तभी से बाजार पूर्णतः बंद है। आपको बता दें कि अप्रैल माह में खरगोन जिले में 4,500 से अधिक केस आए, वहीं 45 से अधिक व्यक्तियों की जान गई। अपर कलेक्टर बीएस सोलंकी ने इस संबंध के आदेश जारी किए। अपर कलेक्टर ने आदेश में बताया कि पूर्व की तरह लगाए गए प्रतिबंध और दी गई छूटें यथावत रहेगी। अब खरगोन जिले में 10 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावशाली रहेगा। अब बात करते हैं खरगोन बड़वानी जिले के कोरोना बुलेटिन की। आज खरगोन बड़वानी जिले में 327 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए, जबकि खरगोन जिले में आज फिर 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई। गत दिनों से खरगोन जिले में रोजाना 3-3 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो रही है। बड़वानी जिले की बात करें तो बड़वानी जिले में आज 46 स्थानों पर 135 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए। अब बड़वानी जिले में कुल कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 7,207 तक पहुंच चुका है, जिसमें से 6,248 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 717 मरीजों का उपचार जारी है, जबकि बड़वानी जिले में अब तक कुल 55 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। बड़वानी जिले में आज जिन 46 स्थानों पर 135 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए, उनमें बड़वानी में 34, तलवाड़ा बुजुर्ग में 11, अंजड़ में 8, बासवी में 6, वहीं सेंधवा, वासवी और जुलवानिया इन तीनों स्थानों पर 5-5 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए। आपको बता दें कि आज सेंधवा तहसीलदार एसआर यादव भी कोरोना से संक्रमित पाए गए, वहीं दवाना, ठिकरी और राजपुर इन तीनों स्थानों पर 4-4 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए, वहीं पाटी, लिंगवा, सिलावद और साली में 3-3 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए, वहीं धौली, पानसेमल, इंद्रपुर और बजटा खुर्द में 2-2 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए। इसी के साथ मेहताखेड़ी, नंदगांव, बमनाली, नादियाबड़, मौरतली, गोंगवाड़ा, अंजदा, कालीबेड़ी, लौनसरा, कासेल, पखालिया, पिपलाज, तलून, सिवई, रनगांव डेब, सनगांव, गोंदपुरा, खड़की, पिपरी, मोयदा, अंतरसभा, बिलवा डेब, हिंदली, सालखेड़ा, सजवाय, बड़दा, बसाहट, बावड़िया और लौनसरा इन 28 स्थानों पर 1-1 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाया गया। वहीं खरगोन जिले की बात करें तो खरगोन जिले में पिछले 24 घंटे में 192 नए व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए, 237 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को भी लौटे, जबकि आज फिर खरगोन जिले में 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई। आपको बता दें कि आज जिन 3 व्यक्तियों की मौत हुई, उनमें कसरावत के वार्ड क्रमांक 12 निवासी 65 वर्षीय पुरुष की खरगोन के जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हुई, वहीं बड़वा निवासी 75 वर्षीय महिला की खरगोन के जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हुई। इसके अलावा ग्राम सोमखेड़ी तहसील महेश्वर निवासी 58 वर्षीय पुरुष की कसरावत के नवजीवन अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हुई। अब खरगोन जिले में कुल कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 11,104 तक पहुंच चुका है, जिसमें से 10,180 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 165 लोगों की खरगोन जिले में मृत्यु हुई है, वहीं 759 मरीजों का उपचार जारी है।